एक समय की बात है, दिवाली का त्योहार आने वाला था। जंगल के सभी पक्षियों ने अपना अपना घर सजाया हुआ था। सभी ने अपने घरों के बाहर दीपक जला रखे थे। उन्हीं पंछियों में से एक टोनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी, जो बहुत गरीब थी, जिस कारण वह दिए नहीं लगा पाई थी और उसका घर सूना सूना लग रहा था, जिस कारण वह अपने घर के बाहर उदास बैठी हुई थी। हे भगवान, मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है? मैं दिवाली के समय में भी दिए नहीं जला पा रही हूँ। तभी वहाँ से एक बाबा गुजर रहे थे। टोनी को उदास देखकर वह रुक जाते हैं और टोनी के पास जाते हैं। बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, तुम मुझे पानी पिला सकती हो क्या? हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप जरा रुको, मैं भी आपके लिए पानी लाई। टोनी पानी लेने अंदर चली जाती है। बाबा ने इधर उधर देखा कि सभी पक्षियों के घर में दिए जल रहे हैं और केवल इसी घर में दिए नहीं जल रहे हैं। तभी टोनी पानी लेकर आ जाती है। लीजिए बाबा, पानी पीजिए। बाबा खुशी खुशी पानी पीते हैं और पानी पीकर टोनी से कहते हैं, बेटा तुम उदास क्यों हो? आज तो खुशियों का दिन है, जंगल के सभी पक्षियों के घर दिए से जगमगा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे घर में एक भी दिया नहीं जल रहा है। क्या बात है तुम्हें? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है, मेरी माँ सारा दिन दूसरों के घर में काम करके दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाती है। पैसों की कमी के कारण मैं स्कूल पढ़ने तक नहीं जा पाती हूँ। आप ही बताओ, इतनी गरीबी में हम दिवाली का त्योहार कैसे मनाएं? कैसे दिए का इंतजाम करूं? बेटा, तुम गरीब हो तो क्या हुआ, तुम बहुत नेक दिल की चिड़िया हो। मैं तुम्हारे संस्कारों से बहुत खुश हुआ। आज दिवाली का दिन है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। फिर बाबा टोनी चिड़िया को एक जादुई दिया देते हैं, जिससे बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। दिया देकर बाबा टोनी से कहते हैं, बेटा यह दिया कोई साधारण दिया नहीं है, यह जादुई दिया है। यह दिया तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। लेकिन बेटा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम इस दिए से कुछ मांगना तो अकेले में मांगना, कोई बाहर वाला ना देख पाए। यदि कोई ऐसा करते हुए तुम्हें देख लेगा तो इसकी जादुई शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। टोनी चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। टोनी जादुई दिया लेकर अपनी माँ के पास जाती है और बाबा की कही हुई सारी बातें बताती है। टोनी की माँ भी बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन उस बाबा का धन्यवाद करती है। दीपक दीपक, जादुई दीपक, चलो अपना जादू दिखाओ और मेरा घर रोशनी से भर दो। इतना कहते ही टोनी चिड़िया का घर रोशनी से भर जाता है। टोनी के घर में और घर के बाहर दिए ही दिए हो गए थे। यह देखकर टोनी और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। टोनी उस जादुई दिए से फिर कहती है, दीपक दीपक, जादुई दीपक, चलो अपना जादू दिखाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? इसके बाद उसके घर में पूरी पकवान जादुई रूप से आ जाते हैं। फिर टोनी जादुई दिए से कहती है, दीपक दीपक, जादुई दीपक, चलो अपना जादू दिखाओ, मेरी माँ के लिए एक अच्छी सी सिलाई मशीन ला दो, जिससे मेरी माँ को दूसरों के घरों में काम करना नहीं पड़ेगा।
जादुई दीपक टोनी की यह इच्छा भी पूरी करता है और उसके घर में एक सिलाई मशीन जादुई रूप से आ जाती है। सिलाई मशीन देखकर टोनी की माँ बहुत खुश हो जाती है। टोनी बेटा, इस जादुई दीपक को बहुत संभाल कर रखना। जैसा कि बाबा ने कहा था, इसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना। इस प्रकार टोनी चिड़िया दिवाली धूमधाम से मनाती है। टोनी अनार, पटाखे और बम लगाती है। इस प्रकार टोनी की दिवाली बहुत अच्छी तरह बीतती है। जादुई दिए से टोनी फिर कहती है, दीपक दीपक जादुई दीपक, चलो अपना जादू दिखाओ और मेरा घर महल के रूप में बदल दो। टोनी के इतना कहते ही टोनी का घर महल के रूप में बदल जाता है। धीरे धीरे टोनी अमीर हो जाती है और अपने पढ़ने के लिए स्कूल भी जाने लगती है। टोनी चिड़िया दूसरे पंक्षियों की मदद किया करती है और गरीब भूखे पंक्षियों को खाना खिलाया करती है। इसी प्रकार समय बीतता जा रहा था। एक दिन टोनी चिड़िया के घर उसकी दोस्त लाडो आती है। टोनी, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? और तुम्हें यह दिया कहाँ से मिला? इसकी रोशनी तो बहुत तेज है। लाडो, यह दिया कोई मामूली दिया नहीं है, यह जादुई दिया है। इसे मुझे एक बाबा ने दिया था। इस दिए से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। जादुई दिया? टोनी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो। अच्छा लाडो, क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं करती हो? रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे सामने ही इससे कुछ मांग कर दिखाती हूँ। तुम देखना, इस दिए से मैं जो भी मांगूंगी वह तुरंत ही मुझे मिल जाएगा। इसके बाद टोनी जादुई दिए से कहती है, दीपक दीपक जादुई दीपक, चलो अपना जादू दिखाओ। मुझे खाने के लिए बहुत सारे लड्डू चाहिए, मुझे लड्डू ला कर दो। टोनी चिड़िया के इतना बोलते ही अचानक से दिए की रोशनी गायब हो जाती है, दिया बुझ जाता है। यह देखकर लाडो जोर जोर से हंसने लगती है। बेवकूफ, मुझे बेवकूफ बनाने चली थी। इतना कहकर लाडो वहां से चली जाती है और इधर टोनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। टोनी चिड़िया का रोना सुनकर उसकी माँ उसके पास आती है। टोनी चिड़िया रोते रोते सारी बात अपनी माँ को बताती है। टोनी की बातें सुनकर टोनी की माँ को बाबा द्वारा कही गई सारी बातें याद आ जाती हैं। अरे टोनी, तुझे दिया देते समय बाबा ने मना किया था ना कि किसी भी बाहरी आदमी के सामने दिए का प्रयोग मत करना, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? आप सही कह रही हो माँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं तो बाबा की कही गई बातें भूल गई थी, अब मैं क्या करूँ? टोनी, तुम सच्चे दिल से बाबा की प्रार्थना करो, बाबा तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। इसके बाद टोनी चिड़िया दिए के सामने प्रार्थना करती है और कहती है, बाबा मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी दिए का प्रयोग दिखावे के लिए नहीं करूंगी। बाबा टोनी की प्रार्थना से बहुत खुश हो जाते हैं और टोनी के सामने प्रकट हो जाते हैं। वह टोनी से कहते हैं, टोनी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुमने दिखावा करने के चक्कर में मेरे द्वारा कही सारी बातें भुला दी। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी। साधु बाबा टोनी के माफी मांगने पर उसे माफ कर देते हैं और दिए की खोई हुई शक्तियां वापस कर देते हैं। टोनी, मैं फिर से दोहराता हूं कि इस दिए का प्रयोग तुम दिखावे के लिए नहीं करोगी, इसका प्रयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना। ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगी, मैं इसका प्रयोग हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए करूंगी। इसके बाद साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और टोनी अपनी माँ के साथ उस जादुई दीपक के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।